हेलो गाइस स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 है और आपका यूनिट 2 है, ठीक है। और इसका आप लोग वार्षिक साइन लेकर आए हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग को समझना है, आप लोग को पढ़ना है आर एल और सी सर्किट, ठीक है। आर मतलब रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ना है, एल इंडक्टेंस सर्किट पढ़ना है और सी है जो कैपेसिटेंस सर्किट पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें आपका सिर्फ आर रहेगा उसको दो रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं और जिसमें केवल एल रहेगा जिस सर्किट में उसको प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। और एक आपका बच गया जिस सर्किट में आपका सिर्फ सी रहेगा, ठीक है, यानी कैपेसिटर रहेगा उसको कैपेसिटेंस सर्किट कहते हैं, यानी प्योरली कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हम लोग आज बारी बारी से समझते हैं तीनों का, ठीक है। तो पहला आपका है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस वन, ठीक है। कहने का मतलब कि सर्किट हम लोग ऐसा लिए हैं जिसमें केवल क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होना चाहिए तो रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा तो उसको हम लोग रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। बताइए समझ में। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि रेजिस्टिव सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टिव सर्किट पढ़ने के लिए बेसिक थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। तो बेसिक हम लोग को बता दिए कि रेजिस्टेंस क्या है, क्या जरूरी है आपका रेजिस्टेंस जानना जरूरी है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लोग को बताए थे कि रेजिस्टेंस ये क्या है, पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपोज करता है किसी भी सर्किट में करंट को रोकने के लिए, ठीक है। तो यह एक ऐसा इसका गुण है, ठीक है, कि जो सर्किट जो आपका सर्किट रहता है उसमें जो करेंट फ्लो होना रहता है उस करेंट फ्लो होने के रोकता है, मतलब अपोज करता है, मतलब फ्लो नहीं होने देता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि रेजिस्टेंस तो बता दिए सर, लेकिन रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर कुछ नहीं, जो मटेरियल आपका रहेगा, जो इक्विपमेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर इक्विपमेंट आपका क्या कर रहा है, रेजिस्टर कर रहा है, मतलब रोक रहा है, ठीक है। जो करेंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करना है, रोकना है। वैसा इक्विपमेंट जिसमें ये गुण पाया जाए उसी को हम रजिस्टर कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो इक्विपमेंट, ठीक है, क्या जो इक्विपमेंट आपका सर्किट में लगा रहे हैं, ठीक है, जो इक्विपमेंट आपका सर्किट में लगा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और जिसके पास ये एक गुण हो जाएगा, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टर, ठीक है। जैसे आप देखेंगे एक रजिस्टर है, ये पूरा आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पूरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, पता है सुनिए, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस हो गया पूरा। लेकिन अगर रजिस्टर कुछ है, रजिस्टर आपका सिर्फ क्या है, तो आपका लिमिट का आया गया आपका क्या है, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधी समझना है कि जो सबस्टांस रहेगा, जो इक्विपमेंट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। और जिसके पास गुण रहेगा वैसा क्या करने का, अपोज करने का, क्या अपोज करने का, करंट फ्लो अपोज करने का, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर आप देखे होंगे, देख लीजिएगा थोड़ा सा घर वगैरह में आपको रास्ता में, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में क्या क्या इसमें पढ़ना है, आप लोगों को रेजिस्टिव सर्किट में जानना है आपको कि आपका वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, फिर आपका करंट का इक्वेशन क्या होगा, ये निकालना जरूरी है, ये जानना है। फिर आप कहें कि इसी से इससे रिलेटेड आपको पावर बताना, तीनों सर्किट में, आर सर्किट हो, एल सर्किट हो, सी सर्किट हो, तीनों सर्किट में आपका क्या है, अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें भी आपका पावर वोल्टेज करंट बताना है, ठीक है। जब अगर इंडक्टेंस इंडक्टिव सर्किट हो तो उसमें भी आपका पावर वोल्टेज और क्या करंट बताना है, ठीक है। और जो अभी आपका कैपेसिटिव सर्किट हो उसमें भी आपका वोल्टेज पावर और क्या करंट पता करना, ठीक है, क्या होगा उसका इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आप यहाँ से
ध्यान रखिए कि सब पूछता है कि जो भी रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट में जिसमें सिर्फ केवल रेजिस्टेंस शामिल रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। बात इस समझ में? तो वही हम लोग इसमें देखते हैं कि भाग वोल्टेज क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या आता है सर्किट से, ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से, और इसमें करंट का इक्वेशन क्या आता है, ठीक है, और इसमें पावर का इक्वेशन क्या होता है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेव फॉर्म कैसा बनता है, फेजर डायग्राम इसका कैसा बनता है, ये सब हम लोग पूरी तरीका से इसको समझ करके इसमें चलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले क्या लिख रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए आपका क्या है, ये एक रेजिस्टर आपका जिसमें शामिल और एक सप्लाई दिए एसी, ठीक है, और इसको एक सर्किट में अरेंज कर दिए, सर्किट अरेंज कर दिए, यहाँ से आपका करेंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन दे दिया गया आपका, ये क्या है वी है, ठीक है, वोल्टेज। तो यहाँ से साइन वेव में आप लोग पढ़े थे एसी यहाँ पे दिया ना, एसी का क्या आता है साइन वेव आता है, साइन वेव में आप लोग को बताए थे कि एसी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी होता है, बताए थे, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान होगा यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा, पी एम साइन ओमेगा टी, इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ को क्या करना है, करेंट का इक्वेशन देखना है, वोल्टेज का इक्वेशन पता चल गया, लेकिन यहाँ क्या देखना है, करेंट का इक्वेशन देखना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड आर से डिवाइड करते हैं तो मेरा करेंट ना निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड करेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ से डिवाइड बोथ साइड बाय आर। तो जब आर से दोनों साइड जब डिवाइड करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, तो डिवाइड किए हैं यहाँ पे देखिए तो वी बटा आर हो जाएगा, और इधर भी डिवाइड करेंगे तो वी बटा आर साइन ओमेगा टी होगा। अब यहाँ से देखिए वी बटा आर होता है, ये क्या होता है, आई होता है, ओम्स के नियम से पढ़िए, ओम्स के नियम में आप लोग देखे थे, आप लोग बताए थे कि आपका वी बराबर क्या होगा, आईआर होता है, उसके लिए बताए थे वी बराबर जब आईआर होता है तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा, बताएगा कि नहीं, यहाँ से वी बटा आर को हम आईआर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए ये वी बटा आर है, वी बटा आर तो आई हो गया, लेकिन यहाँ वी बटा आर तो क्या होगा, सिर्फ आई होगा, यहाँ पे जब मैक्सिमम शामिल हो गया तो मैक्सिमम भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहावत है कि जैसा जो भी खाना बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि खीर बना रहे हैं, इसमें अगर जैसा गुड़ आप डालिएगा, ठीक है, जैसा गुड़ डालिएगा वैसा आपका मीठा होगा, आता है समझ में। उसी तरीका से इसमें जैसा इसमें शामिल है वैसे ना हम यहाँ पे डालेंगे, पता है समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे वी बटा आर यहाँ पे आए रहते हैं, तब वी बटा जब आ रहा है तब वी मैक्सिमम बटा आ रहा है, क्या है वी मैक्सिमम बटा आ रहा है, तब वी मैक्सिमम बटा आ रहा क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ से देखिएगा तो आई मैक्सिमम बटा आ गया, सॉरी वी मैक्सिमम बटा आ गया, से तब वी मैक्सिमम बटा आर को हम लोग क्या लिखेंगे, आई मैक्सिमम लिखेंगे, आई मैक्सिमम हो गया, आई आपका ऊपर ही है ना, साइन ओमेगा टी है, यहाँ से आपका क्या रहेगा, आई एम साइन ओमेगा जाएगा। चलिए ये आप आई और आपके आगे आई एम साइन ओमेगा टी आपका इक्वेशन से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखना है कि आपका वोल्टेज भी निकल गया, करेंट भी निकल गया, इसका वेव फॉर्म कैसा होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि क्या लेते हैं, एक्सिस ले लीजिए, जो भी है नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका वोल्टेज के बाद वोल्टेज के बनाते हैं, तो वोल्टेज का आपको क्या हो गया ये, ठीक है, और करंट का आपका क्या हो गया, करंट का भी आपका इसी में बता रहे समझ में। ये आपका इस तरीके से जीरो से चलेगा, तो जीरो से हमको कहाँ से एक साइकिल कंप्लीट कब होता है, वोल्टेज और करंट का आपको बताए थे सिनुसॉइडल में, ठीक है। तो वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ दोनों कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से ही स्टार्ट होता है, किसमें आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इसीलिए, ठीक है। तो आपका जहाँ दूसरा सर्किट आएगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। तो आप प्योरली रेजिस्टिव में देख रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव में आपका वोल्टेज भी जीरो से स्टार्ट होता है और करेंट भी जीरो से स्टार्ट होता है। तो पहले आपका करेंट स्टार्ट हुआ, तो करेंट आपका कहाँ यहाँ पे आ गया, चलिए अब आपका वोल्टेज भी स्टार्ट होकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वोल्टेज आपका क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, आई आपका क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी, आपका ये आई गया आपका। अब इसमें आप लोगों को भी बताए थे कि आपका जब यहाँ जीरो है यहाँ पे क्या रहता है, पाई रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, टू पाई। तो कितना का होना चाहिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री हम लोग डिग्री में नहीं लेते,
रेडियन में जाएगा, रेडियन में डिफरेंस यहां पे कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जब 2 पाई हो गया, यहां पे जब पाई हो गया, यहां पे तो पाई वाला 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे पाई वाला 2 लिखा हुआ है, यहां पे पाई है, और यहां पे देखेंगे तो इसका आंसर पाई वाला 2 इसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेब फॉर्म फॉर प्योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। प्योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वेब फॉर्म का आपको कोई एग्जाम में पूछे तो इसी तरीके से पूरा ट्राई करना है। अगर इस मामले में प्योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आपका वोल्टेज और करंट दोनों जीरो से ही स्टार्ट होती है, अगर इस मामले में चलो ये तो हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वेक्टर डायग्राम क्या है, इसके किसके लिए, रजिस्ट्रेशन वोल्टेज के लिए और रजिस्ट्रेशन करंट के लिए, ठीक है। एसटी वोल्टेज के लिए, एसटी करंट के लिए होगा, और हम देखेंगे इसी के अनुसार क्या देखना है, वेक्टर डायग्राम देखिए। तो हम लोग क्या किए कि आपका 0 डिग्री रेफरेंस है, ठीक है। अब 0 डिग्री रेफरेंस है तो बताइए वोल्टेज का पहले देखते हैं, तो वोल्टेज का पहले है एक ही फेज में है ना, वोल्टेज आपका यहां पे आ गया। अब करंट देखिए तो करंट अभी तो आपका एक ही से स्टार्ट हुआ था, जहां से आपका वोल्टेज स्टार्ट हुआ है वहां से करंट स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज आपका वोल्टेज का साथ ही 0 डिग्री रेफरेंस लेकर के और 0 से भी आपका करंट स्टार्ट हुआ है, जिससे आपका क्या होगा करंट। तो देखिए तो एक ही फेज में है कि नहीं, जितना इसका फेज उतना इसका फेज, वोल्टेज का उतना करंट का फेज उतना वोल्टेज का फेज, और इसमें भी देखिए दोनों का सेम है कि नहीं। तो फेजर का क्या पता है कि फेजर का जो भी ये दिखा रहा है, ठीक है, पाई बटा 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बटा 2 हो गया, 2 पाई हो गया, सब का क्या दिखा रहा था, फेज दिखा रहा है, ठीक है। तो यही आपका अगर यहां से देखें वेक्टर डायग्राम तो आपका क्या हो गया, इन सेम सर्किट में मतलब सेम हो गया, ठीक है। दोनों क्या हो गया, वोल्टेज एंड करंट आ रही सेम फेज, मतलब सेम फेज में हो गया, जितना इसका फेज रहेगा उतना फेज इसका भी रहेगा, ठीक है, वेक्टर डायग्राम के अनुसार। तो यही आपका यहां पे लिखा हुआ है, दिस सर्किट वोल्टेज एंड करंट आ रही सेम फेज, दोनों क्या हो गया सेम फेज में। अब इसके बाद बताइए कि जब सेम फेज में हो गया तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस आपका 0 ना होगा, क्योंकि दोनों एक ही फेज में है आपका, तो फेज डिफरेंस तो कुछ हो नहीं रहा इसमें, तो कितना होगा पूरा पूरा पूरी आपको फेज डिफरेंस जो आएगा आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, वेक्टर डायग्राम देख लिए, फेज डिफरेंस देख लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग वेव फॉर्म भी देख लिए वोल्टेज और करंट का। अब हम लोग क्या आते हैं पावर पे आते हैं, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए पहले आपको इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना होगा, मतलब ज्ञात करना होगा। तो पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर को देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर बराबर क्या होता है, v into i होता है, तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, v into i। तब v बराबर v into i, तो v का वैल्यू कितना था यहां पे देखिए तो vm sin ओमेगा t था, तो यदि आपका vm sin ओमेगा t यहां पे v हो गया, और im sin ओमेगा t आपका क्या हो गया यहां से, ठीक है, आई बराबर क्या था आई एम साइन ओमेगा टी, ये दोनों जब पी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी जब हो गया, तो दोनों को जब इंटू यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ से क्या आएगा बी एम साइन बी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और यहाँ से आपका पावर बराबर हो गया बी एम साइन बी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका क्या है इंस्टेंटेनियस पावर है, अभी मेरा मेन पावर नहीं आया है, ठीक है, जो पावर आपको फाइंड कर रहा है ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस के लिए मतलब आपको तो बताए थे कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, मतलब तुरंत तुरंत जो आपका बता दे जो भी वैल्यू वही आपका क्या कहलाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, यहाँ पे तुरंत आपका पावर बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर निकल गया। अब इसी से संगत इसी से हम लोग क्या करेंगे पावर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पावर को फाइंड कीजिए यहाँ से, तो पावर इन वन साइकिल वन कंप्लीट साइकिल पावर को कितना निकालना होगा, पूरा एक साइकिल में निकालना होगा, एक साइकिल आपका कहाँ से यहाँ से आपका यहाँ तक रहेगा 0 से 2 पाई तक आपका एक साइकिल रहेगा, तो पावर बराबर तो कहाँ से 0 से 2 पाई तक एक साइकिल हम लोग को देखना है, तो 0 से 2 पाई लिए हैं क्या करना है इंटीग्रेट करना है, किसको आपको एक कंप्लीट साइकिल में पावर फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा, किसको जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर आया है उसको इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट कितना लेना है लिमिट आपका क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई, यानी यहाँ से हम लोग 0 से ले रहे हैं एक साइकिल के लिए कहाँ तक 2 पाई तक, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग 0 से 2 पाई ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है इंटीग्रेट। और वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ से आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर होना था यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जब इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ से क्या करेंगे डी टू ओमेगा टी करेंगे, ठीक है।
अब यहां से देखेंगे तो बताइए डीएमआईएम क्या है, कांस्टेंट है, तो डीएमआईएम बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेट से हम बाहर कर लेंगे तो डीएमआईएम हो गया। अब यहां पे क्या बच गया, 0 से 2 पाई आपका sin स्क्वायर ओमेगा टी बच गया और इनटू d ओमेगा टी बच गया, ठीक है। अब इसके बाद बताइए कि p बराबर क्या हो गया डीएमआईएम, ठीक है, अभी ठीक है 0 से 2 पाई। अब sin स्क्वायर ओमेगा टी बराबर फार्मूला होता है क्या होता है 1 cos 2 ओमेगा टी / 2, ठीक है। तो यहां से जब एक फार्मूला हो गया तो यहां से हम लोग अलग-अलग भी तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसा करते हैं कि ये जो आपका बटा में 2 है इसको हम लोग इधर ले आते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के इंटीग्रेट्स के इंटीग्रेट्स क्या करते हैं इसको बाहर ले आते हैं, तो बाहर जब ले आए तो dm / i / 2 हो गया। अब यहां से मेरा क्या बच गया 0 से 2 पाई इंटीग्रेट में, ठीक है, और क्या बच गया 1 cos 2 ओमेगा t, यानी बचा 1 cos 2 ओमेगा t d ओमेगा t, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखिए कि va में im / 2 तो यही हो गया, लेकिन अब इसको क्या करते हैं, ये आपका माइनस में 1 cos 2 ओमेगा t हो गया, इसको हम लोग दोनों को ना इंटीग्रेट करना होगा, तो दोनों को करने के लिए हम दोनों पर क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन चढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां से देखिए तो 0 से 2 पाई पहले इसमें देखेंगे तो इसमें आपका 1 में d ओमेगा t गुना होगा तो क्या होगा d ओमेगा t होगा, अब माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहां से 0 से 2 पाई इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा t / d ओमेगा t, ठीक है। तो ये आपका यहां तक समझ में आया, ये आपका यहां तक हो गया। अब इसको जब ये अब आगे चलेंगे तो vm / im / 2 हो गया यहां से, ठीक है। अब यहां से देखिए जब a ओमेगा t ही ना बचा, ओमेगा t बचा तो इसको अब इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा t को तो कितना यहां से 0 से 2 पाई लिमिट है, यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा t और 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब माइनस इसको जब cos 2 ओमेगा t को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपका इसका cos 2 ओमेगा t का फार्मूला क्या होता है sin 2 ओमेगा t / 2, ठीक है, क्या होता है sin 2 ओमेगा t / 2, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा t / 2 और यहां से इसका जो लिमिट है वो भी 0 से 2 पाई यहां पे भी ले लिए, ठीक है, और इसमें भी जो था वो ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि dm/im / 2 हो गया यहां से, अब इसको देखिए अब क्या करना रहता है कि जो 0 से 2 पाई लिए है तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो आपको इधर लेना रहता है, इसके बाद फिर इसको नीचे वाला वैल्यू आपको क्या करना रहता है माइनस करना रहता है, ठीक है। तो यहां से 2 पाई जब ओमेगा टी की जगह पर आएंगे तो 2 पाई होगा और 0 जब ओमेगा टी की जगह पर जाएंगे तो -0 होगा। चलिए अब इसमें आइए माइनस, अब ये आपका बटा में 2 था इसको हम लोग बाहर कर लिए 1/2 इंटीग्रल कर लिए बाहर। अब यहां से देखिए ये आपका तो 2 ही है नहीं, ओमेगा टी की जगह पर हमको क्या लाना है 2 पाई लाना है, तो 2 पाई इनटू 2 इनटू कितना 2, तो 2 पाई इनटू कितना 4 पाई होगा, तो 4 पाई मतलब 4 पाई, तो sin 4 पाई यहां से आ गया। अब माइनस अब क्या करते हैं माइनस करते हैं तो माइनस अब ये 0 पुट करेंगे ओमेगा टी की जगह पे, क्या करेंगे ये 0 को पुट करेंगे ओमेगा टी की जगह पे, तो sin कितना हो जाएगा 2 0, ठीक है, जो भी है यहां से 0 गुणा करेंगे 2 में तो क्या होगा 0 होगा, तो sin 0 यहां पे हो जाएगा। अब यहां से देखिए तो sin 4 पाई तो sin 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है और यहां से sin 0 का वैल्यू कितना 0 होगा, तो यहां से दोनों 0 ये भी 0 ये भी 0 तो 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 में अगर 1/2 गुणा करेंगे तो पूरा 0 यानी ऑल ओवर कितना हो गया पूरा 0, तो पूरा 0 तो बचा क्या 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 2 पाई में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 पाई बचेगा, तो यहां से vm/2 vm/im/2 हो गया और /2 जो था वो हो गया और जो इनटू आपका यहां से क्या बचा 2 पाई बचा, तो 2 से 2 खत्म कर दिए, यहां से मेरा क्या बच गया vm/im पाई, क्या बच गया vm/im पाई, ये आपका क्या निकल गया एक कंप्लीट साइकिल में आपका पावर यहां से निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज पावर निकालते हैं, एवरेज पावर कहने का मतलब क्या होता है कि एवरेज आप लोग सुने होंगे एवरेज पहले थोड़ा सा एवरेज समझिएगा, एवरेज तो आप लोगों को बताया था लेकिन एवरेज मतलब क्या होता है औसत, ठीक है, तो औसत क्या होता है जैसे मान लीजिए कि औसत चाल हम लोग करते हैं औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटा कुल डिस्टेंस होता है ना, तो उसी तरीका से अगर हम लोग एवरेज पावर निकाल रहे हैं तो एवरेज पावर तो जो भी आपका जो पावर आया, ठीक है, जो पावर आया, ठीक है, उसमें और एवरेज पावर मतलब क्या जो पावर आया उसमें और जो कहां तक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस इसका कहां से कहां तक है, डिस्टेंस देखिए तो 0 से 2 पाई तक है, तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे 2 पाई बटा में कर देंगे, ठीक है, यहां से देखिए क्या 2 पाई कर देंगे, कहे कि हमें एवरेज की एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए क्या करना होता है, एवरेज के लिए अभी बताएं कि एवरेज के लिए
टोटल जो भी आया बटा टोटल डिस्टेंस रहता है, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या होगा वीएम आईएम पाई और बटा क्या हो जाएगा टोटल, यहां से इसका अगर देखा जाए तो 0 से 2 पाई तक हम लोग देख रहे हैं एवरेज इसका, यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, यहां पाई से पाई खत्म, यहां से क्या बच गया वीएम आईएम बटा 2 बच गया। ठीक है, अब ये तो आपको वीएम आईएम बटा 2 हो गया, ये आपका एक एवरेज बराबर यहां से आ गया। लेकिन अगर और अलग कंडीशन से हम लोग एवरेज को निकालना है, ठीक है, अगर हम लोग और अलग कंडीशन से एवरेज को निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा बताइएगा कि भी आरएमएस बराबर क्या होता है वीएम बटा रूट 2 होता है, उसी तरीका से आई आरएमएस बराबर क्या होता है आई बटा रूट 2 होता है। तो यहां से देखिए तो यहां पे वीएम है, क्या है वीएम है, तब वीएम के जगह पे अगर हम वीएम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √2 * वी आरएमएस होगा, होगा कि नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा √2 * वी आरएमएस दिए, यहां पे इसके ये इसके किसके जगह पे लिए हैं ये वीएम के जगह पे लिए हैं, कोई दिक्कत। अब * यहां पे क्या है आईएम है, क्या है आईएम, तो आईएम को हम क्या लिख सकते हैं √2 * वी आरएमएस लिख सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा आईएम के जगह पे √2 * वी आरएमएस हो जाएगा, और बटा आपका जो कुछ था उसी को यहाँ पे टूटिंग किए और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग क्या किए थोड़ा सा और अलग कंडीशन में एवरेज पावर को देख रहे हैं। ठीक है, तो अलग कंडीशन में देख रहे हैं यानी आरएमएस के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम के रूप में था, बता रहे समझ में, यहाँ पे आपका जो एवरेज पावर था वो मैक्सिमम के रूप में था, लेकिन अब हम लोग आरएमएस के रूप में देख रहे हैं, तो आरएमएस के रूप में भी आरएमएस बराबर हम लोग जानते हैं भी मैक्सिमम बटा रूट 2 और आईआरएमएस बराबर जाकर आईएमएस बटा रूट 2, यहां से अगर भी मैक्सिमम निकालेंगे तो रूट 2 * वीआरएमएस और अगर आईमैक्सिमम निकालेंगे तो रूट 2 * आईआरएमएस, वही हम वीएम के जगह पर रूट 2 * वीआरएमएस लिखे हैं और आईएम के जगह पर हम रूट 2 * आईआरएमएस लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या किए हैं जो यहां पे 2 था वही 2 यहां पे दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि एक 2 है यहां पे क्या देखिए तो रूट 2 * रूट 2 कितना 2 होगा, तो 2 VRMS into IRMS बटा कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 से 2 ही खत्म कहानी बोल। ठीक है, अब क्या करना है कि अब यहां से देखिए तो एवरेज पावर बराबर क्या आ गया VRMS into IRMS आ गया, ये एक एवरेज पावर RMS के रूप में आ गया। ठीक है, अगर RMS के रूप में एवरेज पावर पूछे तो VRMS into IRMS, ठीक है, अगर एवरेज पावर मैक्सिमम के रूप में पूछे तो VM IM बटा 2। ठीक है, दोनों कंडीशन से आपका निकल गया क्या पावर, अब पावर भी निकाल दिए वोल्टेज भी निकाल दिए करंट भी निकाल दिए, लेकिन वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म आप लोग देख लिए। ठीक है, लेकिन अब पावर का तो देखना है कि पावर का वेव फॉर्म कैसा होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पावर को देख रहे हैं, तो पावर के क्या होता है V×Y, तो वोल्टेज और करंट दोनों मिल करके आपका पावर का निर्माण करता है। ठीक है, तो दोनों जब मिलेगा तो बताइए यहां से कि ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये करंट हो गया वोल्टेज हो गया दोनों हो गया। ठीक है, अब दोनों हो गया तो पावर क्या करता है ध्यान से सुनिएगा, पावर क्या है जैसे वोल्टेज करेंट, ये वोल्टेज हो गया क्या प्लस में भी यहां से प्लस में आई हो गया। ठीक है, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो प्लस में भी प्लस में आई तब पावर होगा, तो पावर क्या मिलेगा आपका पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से देखना है हमको, देखिए तो अब यहां पे नेगेटिव में भी करंट है और नेगेटिव में भी वोल्टेज है, तो बताइए तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो यहां से पावर क्या मिलेगा हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए पावर आपका जो फॉर्म बनेगा वो आपका ऊपर बनेगा ना कि नीचे बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव आपका ऊपर ना शो कर रहा है, नीचे तो आपका नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है आपका नेगेटिव करेंट नेगेटिव वोल्टेज दोनों गुना होगा तो आपका क्या बनेगा पॉजिटिव पावर। ठीक है, और यहाँ तो आपका पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट दोनों पॉजिटिव पावर बन ही गया। ठीक है, ये आपका पावर का वेवफॉर्म हो गया। ठीक है, अब बस सिर्फ वही है, यहाँ पाई बटन 2 हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ था पाई हो गया, 3 पाई बटन 2 हो गया, 2 पाई हो गया। अब यहाँ पर वही हम लिखे हैं कि वी बराबर अगर माइनस वी है आई बराबर अगर माइनस आई है तो पावर कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, कैसे देख लीजिए कैसे से P बराबर क्या माइनस वी इंटू माइनस आई, तब माइनस माइनस प्लस क्या वी आई, तो प्लस वी आई मतलब प्लस पावर। ठीक है, तो प्लस पावर आप यहाँ मिला भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका वेवफॉर्म हो गया किसका पावर का। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो था प्योरली इलेक्ट्रिक सर्किट था।
ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, वो सब कैपेसिटर डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है, और फेजर भी देखेंगे, ठीक है, और वेवफॉर्म वगैरह भी देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक।